हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये मैंने बनाया है लेफ़्ट ओवर चिकन से। तो देखिए हमारा कितना अच्छा सा टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा बेस जो मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस। काफ़ी सारा आप पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा दीजिए। और लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। तो चीज़ काफ़ी सारा आप इसके अंदर चीज़ लगा दीजिए भर भर कर, ताकि जो पिज़्ज़ा का टेस्ट होता है ना वो चीज़ के साथ ही आता है। मैंने इधर लगा दिया काफ़ी सारा चीज़। और चीज़ लगाने के बाद जो भी आपके पास वेजीज हैं अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर लगा दीजिए। तो मैंने इधर लगाया है अनियन, इसको मैं स्क्वायर शेप दे दिया है। और इसको लगा दीजिए आप अच्छे से। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लगा रही हूँ कैप्सिकम, जिसको मैंने थोड़ा लंबे साइज़ में काटा है। और ये देखिए ऐसे हमको लगाना है। तो आपको जैसे पसंद हो आप ऐसे लगाइए। तो देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है अभी। मैंने काफ़ी सारा इधर लगा दिया है कैप्सिकम। और कैप्सिकम लगाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पीसेस। ये मैंने मेरा जो चिकन बच गया था उसमें मैंने छोटे छोटे इसके स्लाइसेस कर लिए हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े से कर लिए हैं। और टुकड़े करने के बाद ये हम लगा देंगे अपने पिज़्ज़ा के ऊपर। तो काफ़ी सारा आप इसमें लगा दीजिए चिकन पीसेस, क्योंकि जब हम चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसका टेस्ट भी तो चिकन से ही आना चाहिए ना। तो हमने लगा दिया इसके अंदर काफ़ी सारा चिकन। और चिकन पीसेस लगाने के बाद हम फाइनली इसके अंदर अगेन ऐड कर देते हैं चीज़। तो काफ़ी सारे चीज़ दोबारा इधर डाल दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और उसके डालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ रेड चिली फ्लेक्स। और रेड चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिक्स्ड हर्ब्स। मैंने इसमें डाल दिया है मिक्स्ड हर्ब्स। और ये हमारा बस पिज़्ज़ा होने वाला है रेडी। पैन ले लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। और गैस का फ्लेम रखेंगे लो। अगर हम हाई फ्लेम पर रखेंगे तो फिर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से बिल्कुल जल जाएगा। तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और इसको कवर कर देना है। विद इन 5 to 10 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इधर मैंने ऐसे ही दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी जो चीज़ें बिल्कुल मेल्ट हो गई और हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसको गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।